अस्सलामु अलैकुम माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो चलें, आज मेरे साथ आप आए वेयर हाउस, और वेयर हाउस बहुत ही एक रीज़नेबल प्राइस में जो है वो आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, कपड़े, बर्तन, जूते और ग्रॉसरीज भी अब तो लोग अक्सर कर रहे होते हैं यहाँ से। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी यहाँ पर विंटर के कुछ कपड़े और उनके प्राइजेस के साथ। तो अभी मैं जब यहाँ पर आई हूँ तो सबसे पहले मैंने ये देखा है, बहुत ही ज़बरदस्त से ये दोनों मुझे लगे कपड़े, और इसकी प्राइस भी बहुत ही रिज़नेबल थी। तो साथ ही मुझे ये नज़र आए क्लियरनेस एटम, और ये इतने कम प्राइजेस में थे, बट ये मेरे किसी यूज़ के नहीं थे। तो मैं जस्ट आप लोगों को इनकी प्राइजेस दिखा रही हूँ। तो अभी आप लोगों के साथ कुछ जो लॉन्ग शर्ट्स और लॉन्ग जर्सी स्वेटर्स भी हैं, और हाई नेक के साथ जो जर्सी हैं उनके प्राइसेस शेयर करूंगी और आपको दिखाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड। तो ये वाली जो थी ना टॉप, मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, वॉर्म थी, और ये आप दिन में या रात में घर में पहन सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा स्टॉफ था इसका, $22 की थी, और इसके साथ एक ही कलर था ग्रे में, और साथ जो दूसरा कलर है वो भी अच्छा लग रहा था, लेकिन ना मैं जो है ज़्यादा ग्रे एंड वाइट और ब्लैक जो है वो चूज़ करती हूँ, पता नहीं क्यों, और स्पेशली विंटर्स में। तो ये भी कुछ ब्लूइश सा है, ये भी अच्छा लग रहा है, बट मैंने जो है वो ग्रे ही चूज़ किया था, और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और इसका स्टफ बहुत ही सॉफ्ट था। और इसके साथ अभी मैं यहाँ पर देखूँगी कोई भी जो है वो विंटर के हिसाब से और सॉफ्ट से स्टफ में पजामा, और अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मेरे पास जो है वो ब्लैक और उसमें ग्रेज में काफ़ी घर में होते हैं, तो मैं किसी के साथ भी पहन सकती हूँ। और इसके साथ ये देखिए, ये लॉन्ग शर्ट है, और ये भी काफ़ी अच्छी थी, वॉर्म थी, $35 की थी, और इसमें भी अगेन कलर थे, एक तो ये कलर है जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो, और उसके साथ ये वाला, तो काफ़ी अच्छी ये शर्ट मुझे लगी, और एक लॉन्ग भी है, लॉन्ग स्लीव्स भी हैं, और विंटर के हिसाब से अच्छी मुझे लगी, और इसके बाजू भी बड़े अच्छे थे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में यहाँ पर चीज़ें होती हैं, और कुछ अच्छी कपड़े भी होते हैं, अगर जैसे कि ये अगेन ये भी लॉन्ग है, और इनके प्राइजेस भी कोई इतनी वो नहीं है, अगर आप अपने रेगुलर घर में जो आप डेली बेसिस पे पहन रहे होते हैं कपड़े, तो यहाँ से अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। उसके अलावा इनके मुझे ये जो अभी मैं आपको आगे दिखाऊँगी, तो ये जो है वो काफ़ी अच्छे तरह के यहाँ पर मिल जाते हैं, पुल ऑन और हुडीज और ट्रैक पैंट्स, और अगर आप यहाँ से मतलब जो लोग यहाँ पर रहते हैं या फिर जिनके पास वेयर हाउस है, तो यहाँ से जो है मिक्स एंड मैच करके ये जो है वो
फुलॉन्स ट्रैक पैंट्स और हुडी ले सकते हैं। मैं भी अक्सर सेम कलर का ही ले लेती हूँ, लेकिन आप इसको मिक्स एंड मैच करके भी पहन सकते हो और स्पेशली नाइट टाइम में भी पहने जा सकते हैं। तो वेयरहाउस से शॉपिंग करने के बाद थोड़ी भूख लग चुकी थी, बट इतनी भी नहीं थी कि कुछ हैवी खाया जाता, तो इसलिए आए हैं कबाब किंग में। तो यहाँ पर देखें आप, डिफरेंट तरह का सैलड है और साथ में जो भी सॉसेस वगैरह हैं। तो यहाँ से लेंगे रैप, मैं अपने लिए लूँगी नो कार्ब सैलड और बेबी आयरा के लिए लेंगे फ्राइज एंड चिप्स, फिश एंड चिप्स उसके लिए। और ये है, यहाँ पर मैं चूज़ कर रही थी जो मुझे, तीन आप सॉस यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो है वो मेरा है नो कार्ब चिकन सैलड, और हस्बैंड के लिए मैंने लिया था लैम कबाब, और बेबी आया के लिए जो है वो फिश एंड चिप्स। सो ये हमने खाना खाया और उसके बाद चले गए थे हम लोग घर। सो घर जाते हुए आप देख सकते हैं कि कितने बादल जो है वो आ चुके थे, बस थोड़ी देर के लिए ही जो है वो बारिश रुकी थी और हम लोग गए, और अभी रात में जो है वो फिर से बारिश का ही सारा जो है वो सीन है। और लेकिन उससे पहले हम घर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर मैं जब घर आई हूँ और मैंने घर आके जो है वो बनाया था चॉकलेट कॉफ़ी केक, तो ये बहुत ही जल्दी से बन जाता है और बहुत ही मज़े का लगता है कॉफ़ी के साथ स्पेशल। तो ये जो है वो मैंने बनाया था, और क्योंकि अभी मैं इसके साथ बनाऊंगी कॉफ़ी, और बारिश जैसे कि मैंने आपको बताया था काफ़ी हो रही थी, तो इसके साथ जो है वो कॉफ़ी के साथ मैंने सोचा कि कुकीज़ वगैरह से अच्छा कि मैं ये बना लेती हूँ, और ये काफ़ी हेल्दी वे में मैंने बनाया। तो अभी इसके मैंने जो है वो पीसेस काटे हैं और आप देखें, और ये काफ़ी मज़े का बना था। और इसके बाद बनाऊंगी मैं कॉफ़ी, थोड़ा सा फ्रेश होंगे और उसके बाद मैं बनाऊंगी खाना। तो जी कॉफ़ी मैंने बना ली है, और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद, अपनी कॉफ़ी और केक इंजॉय करने के बाद, अभी मैं दोबारा से जब किचन में आ गई हूँ, और मैंने बनाना था चिकन और पालक, और बहुत ही मज़ेदार ये मैंने बनाया था, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड की बहुत ही पसंदीदा डिश है कि पालक और चिकन के साथ वो बॉयल्ड राइस खाते हैं, क्योंकि वो लाहौर से है ना, तो लाहौर में लोग अक्सर जो है वो आलू बैंगन के साथ भी राइस खाते हैं और पालक के साथ भी। तो अभी ये खाना हो चुका है रेडी, अभी से मैं कर रही हूँ। और आप लोग अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ जो है वो आपने सब्सक्राइब कर लेना है, और अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे और तो प्लीज़ इसे लाइक भी करना, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट जल्दी ही जो है वो मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी भी और व्लॉग में। जाने से पहले आप को जो है मेरे पालक चिकन की जो है वो फाइनल लुक ज़रूर दिखाऊंगी, देखिएगा कितना मज़े की इसकी लुक आई थी। तो आप लोगों से नेक्स्ट किसी और व्लॉग पे फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तो आप मेरे चैनल को देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। टेक केयर गाइस एंड अल्लाह हाफिज़।